नमस्ते दोस्तों, आज के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप बी डाइट प्लान। ब्लड ग्रुप बी के लोगों को क्या कंज्यूम करना चाहिए ब्लड ग्रुप डाइट के अनुसार, और उनको क्या अवॉइड करना चाहिए जिससे वो अपना बॉडी फिट नॉर्मल रख सकते हैं और अपनी बीमारियों को अपनी बॉडी से दूर रख सकें, कैसी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो ब्लड ग्रुप बी होता है वो डाइवर्सी डाइट वो ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मीट, फ्रूट, डेरी प्रोडक्ट, सी फूड एंड ग्रेन्स ले सकते हैं। अपना वजन ये कम करने के लिए, लूज वेट के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा सी मात्रा में ले, अंडे, एग्स, लीवर और लिकोरिक चाय टी ले सकते हैं। इनको अपने में अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करने के लिए चिकन, कार्ब, पीनट और फीट। फीट इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फीट मींस गेहूं से बने हुए जो भी पदार्थ है, मैदा है, वो इनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। ये मल्टीपल वैरायटी के फूड ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, नॉन वेज, सी फूड, फल सब्जियां वगैरह ये ले सकते हैं। टोफू इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मिल्क प्रोडक्ट ये ले सकते हैं, लेग्यूम्स दालें भी ये ले सकते हैं। सिर्फ इनको चोकर, भुट्टा, कॉर्न, दालचीनी, काली मिर्च, मैदा, सूजी ये खाने से बचना चाहिए। ये अपने डाइट में कॉफी, ब्लैक टी, लिकर ये बिल्कुल ना लें। और एक्सरसाइज में इनको कंबाइंड एक्सरसाइज माइंड और बॉडी दोनों को उनको करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी और योगा व्यायाम करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में टेनिस, गोल्फ ये सब खेल सकते हैं और योगा व्यायाम जरूर उनको करना चाहिए। अब बारी आती है कि कंज्यूम। ये ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एक लो फैट डाइटरी ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो लो फैट के होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट ले सकते हैं, पनीर, एग और फिश ले सकते हैं। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इनको अवॉइड क्या क्या करना होगा। कॉर्न इनको अवॉइड करना है, बकव्हीट अवॉइड करना है, टोमेटो, पीनट अवॉइड करना है, सीसम सीड्स, व्हीट्स, गेहूं अवॉइड करना है, चिकन, फिश और एग। ये अगर ये अवॉइड करेंगे अपनी इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी और अपनी ब्लड ग्रुप डाइट के अनुसार, जैसा हमारा एक सीरीज चल रही है ब्लड ग्रुप डाइट पे, तो उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में क्या लेने से आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज दोस्तों, अगला जैसे हमने पिछले दो वीडियो में ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ब्लड ग्रुप ए के बारे में और आज ब्लड ग्रुप बी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इन ब्लड ग्रुप्स के लोगों को क्या क्या ब्लड ग्रुप डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी के, ए और ए बी के लोग क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या अपनी डाइट में अवॉइड कर सकते हैं जिससे वो अपने को फिटनेस महसूस करें, बीमारियों से दूर रख सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर आपको ध्यान करनी है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे आपका आउटडोर गेम्स हो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे 15-20 मिनट के लिए फिजिकल एक्टिविटी और 15-20 मिनट के लिए आप अपना मेंटल एक्टिविटी में आप अपना इसमें ध्यान लगा सकते हैं, अपना योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो आपका माइंड को पूरा कवर करेगा। फिजिकल एक्टिविटी में आपको स्ट्रेचिंग जो है, वॉकिंग है, आपको सूर्य नमस्कार है, कई आसन होते हैं, तो आप इसको ट्रेनिंग ले सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट एक्सरसाइज होती है वो आप करने से आप अपने को काफी फिटनेस महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अगर ब्लड ग्रुप डाइट बी का वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और सभी लोगों को ये बताएं कि कम से कम जो ब्लड ग्रुप डाइट है ये जरूर फॉलो करें। ब्लड ग्रुप डाइट फॉलो करने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, अपने बीमारियों से दूर रह सकते हैं, आपको बीमारी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह आपको हो जाएगा शरीर, बीमारी आपको छू भी नहीं पाएंगी अगर आपके अनुसार ब्लड ग्रुप डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं या लोगों को बताते हैं या फॉलो करते हैं। अगर इससे रिलेटेड, ब्लड ग्रुप डाइट बी के रिलेटेड अगर कोई आपके क्वेश्चन हो
या ब्लड ग्रुप ए के रिलेटेड या ओ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, हम आपके सारे क्वेश्चन को आपके सारे क्वेश्चन के सवालों के जवाब देंगे, जिससे आपको सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।